हैकेथन कार्यक्रम में कई स्कूली छात्रों ने भी अपने नए आइडिया से बनाए प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास छात्रों के द्वारा बनाए स्टार्टअप के तहत नए आइडिया के प्रोजेक्ट को देखकर उन छात्रों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नए आइडिया वाले युवाओं को प्रेरित किया। आज के कार्यक्रम से उत्साहित होकर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में शामिल स्कूली बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर सुनील कुमार वर्णवाल, आईटी सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव के रवि कुमार, आईटी निदेशक उमेश प्रसाद साह व अन्य उपस्थित थे। चयन विभाग के द्वारा किया गया और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश युवाओं का देश, जहां भारत की जनसंख्या की 65% 18 से 35 उम्र के भारत, और इस भारत की, युवा भारत की आजादी के बाद मंत्री ने अगर युवाओं की चिंता की, कहा जरूर जाता था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है, लेकिन जो हमारे युवा डिग्री लेकर रोड पे भटक रहे थे और इस देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नेता जो उन्हें रास्ता दिखाने वाले, उनके बारे में सोचने वाले, उनको एक नई दिशा देने वाले, देश के 70 वर्ष की आजादी में पहली बार आदरणीय मोदी जी ने इस देश की जो शक्ति है, जो हमारी युवा शक्ति के पास जो शक्ति है, और जो देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा मानव संसाधन है वो है युवा शक्ति, और उस युवा शक्ति को जिसके पास नए नए आइडिया, न्यू इनोवेशन आइडिया, उन आइडियों को स्टार्टअप के माध्यम से अपनी प्रतिभा देश की युवा शक्ति दिखाकर दुनिया में परचम लहराए, इस स्टार्टअप पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लॉन्च की।